स्वागत है और इस वीडियो में हम तीन स्टॉक से थी अगेन से एक ओवरव्यू लेंगे और बाकी दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे देखिए कल यहाँ पर दो वीडियोज बनाई गई थी और दोनों वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताया था और बहुत कुछ यहाँ पर चार्ट बताया था और वो चार्ट समझ भी आ रहे थे कौन सा तो यहाँ पर निफ्टी बैंक से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक यहाँ पर टच कर यहाँ पर इस लेवल को टच करेगी और इसी लेवल को यहाँ पर अगर किसी ने देखा होगा और किसी ने शॉर्ट किया होगा और इस लेवल पे आया होगा तो अच्छा खासा पैसा भी कमाया होगा देखिए इसी लेवल पे यहाँ पर और इसी लेवल पे यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट बन रहा था इसी लेवल को टच करके ऊपर की तरफ भागती हुई नजर आई निफ्टी बैंक सेम एज इट इज निफ्टी फिफ्टी भी इस तरीके से भागती हुई नजर आई और यहाँ पर से एक अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है और ये अभी ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है बट पर अगर इसे नीचे जाना है तो इसे आज का लो जो है बत्तीस हजार एक सौ पचपन इसे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ से नीचे गया एट दैट मोमेंट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थर्टी थाउजेंड के आसपास का है जो कि यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर करना क्या है सिंपली एकोमलेन शुरू कर देना है धीरे धीरे यहाँ पर एकोमोलेट करना

इस तरीके की गिरावट आपको देखनी पड़ेगी ओके okay, राकेश जुन जुन वाला सर ने भी देखी है विजय केड़िया सर ने भी देखी है वार्म ने भी देखी है सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो सब ने देखी है बट उसके बाद जो रिकवरी होगी वो एक बेहतरीन रिकवरी होगी और आपको यहाँ पर सीखना होगा इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में कि आप यहाँ पर ना... वीडियोस को लास्ट तक देखें एज वेल एज सीखने की कोशिश करें आपको टाइम लगेगा एक साल दो साल तीन साल पांच साल देखिए आप एक जॉब के लिए भी कम से कम एल के जी से लेके यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तब जॉब मिलती है तो कितने साल आप देते हैं तो इसी तरीके से अगर दो तीन चार साल आपको देने पड़ते हैं मार्केट में और फॉर द सेक ऑफ बींग रिच अगर अमीर बनने के लिए अगर इतना कुछ कर देना पड़ सकता है तो ऑबियस ही बात है आपको देना चाहिए चीजें समझे एज वेल well एज यहां पर दो केमिकल स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसने भी देखी होगी उसे पता होगा कि आज के दिन अपर एक स्टॉक में अपर सर्किट एक स्टॉक में चार पांच परसेंट यहां पर भागता हुआ नजर आया है तो चीजें समझने की कोशिश करें तो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अच्छा पैसा बनेगा तो बट यहां पर अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर जो आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिले और सीखे आप जितने ना सीखेंगे उतना पैसा आगे फ्यूचर में कमाते हुए नजर आएंगे आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना यू हैव टू जस्ट क योर सेल्फ रिच और इस तरीके की कोशिश करनी है डेट साइड प्लेलिस्ट को गो थ्रू करे और यहाँ पर बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें जितना हो सके सीखे दीजिकुलर नंबर जहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते है रीच कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं और हम यहाँ पर सिम टेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपका चेक भी करने की कोशिश करेंगे एज वेल एज अच्छा खासा यहाँ पर ट्राई करेंगे सब चीज के लिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें हेल्प करे लाइक करे कमेंट करे आपकी वजह से हमारा वजूद है यहाँ पर आप हमें लाइक करेंगे तो यूट्यूब पे हम आ, हमेशा के लिए बने रहेंगे और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जल्दी शॉर्ट में यहाँ पर वीडियो को निपटाते हैं और थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा टाइम देंगे तभी यहाँ पर पैसा बनेगा तो यहाँ पर देखिए के कल्पना के कल्पना से रिलेटेड कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और आपको बताया था के कल्पना से रिलेटेड कि के कल्पना एक बेहतरीन स्टॉक्स नजर आता है गिरावट की बात कर रही थी कि एक गिरावट की अगर हम देखें तो इकतालीस तक यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ सकती है बट उसके बाद जब चीजें अच्छी रिकवर होती हुई नजर आएगी तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर दो टारगेट हमारे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे थे जिनमें से अगर मैं पहले टारगेट की बात करूं तो एक टारगेट ये बन रहा था ये कब विद हैंडल पैटर्न शॉर्ट टर्म का जिसमें हमारा अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने का लगभग सेवेंटी एटी रुपीज के आसपास का यहां पर टारगेट बन रहा था तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है इससे पहले एक टारगेट और था जो कि यहाँ पर मैंने शायद बताया होगा भूल गया होगा जो भी है यहाँ पर 20 परसेंट तो देखिए आपके जब रिजल्ट अच्छे हो जब आपकी कंपनी कह रही हो कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा बन रहा है तो ये ये जो टारगेट है इजीली अचीव होते हैं तो देखिए गिरावट जब मार्केट में गिरावट हुई तो अच्छे अच्छे शेयर धराशायी हुए अच्छे अच्छे शेयर गिरते हुए नजर आए ये भी शेयर थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया बट कंसॉलिडेशन फेज में ही यहाँ पर रहता हुआ नजर आया इतनी ज्यादा गिरावट इस शेयर में नहीं हुई और देखिए तो देखिए बीस के आसपास का यहाँ पर अभी भी यहाँ पर एक गेन शॉर्ट टर्म में गेन की बात कर रहा हूं मैं टर्म में ये बनता, बन सकता है। तो रिजल्ट से पहले आपको ये गेन मिलते हुए और अगर रिजल्ट अच्छे आते है, तो एक, एक तक तक हैं तो यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहे हैं तो ये निकल के आएंगे बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए रिजल्ट का अच्छा आना बहुत जरूरी है एज वेल एज ऑपरेटर्स ही पर्टिकुलर शेयर को मूव करते हैं ओके तो उस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना

तो अगेन मैं बार-बार क्यों कह रहा हूं रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि रिजल्ट के बाद एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी दे चुका है बारह रुपए से साठ रुपए तक शेयर जा चुका है फाइव टाइम्स हो चुका है तो इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी बट ज्यादा अच्छे और छोटी कंपनी है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं रखना याद रखिए और जब चीजें भागेंगी अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ये जो टारगेट है चार सौ परसेंट के रिटर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मत सोचिए चार सौ परसेंट के रिटर्न छह महीने में आ जाएंगे एक साल में आएंगे ये चार सौ परसेंट के रिटर्न आने के लिए कम से कम इसे चार से पांच साल लगेंगे ओके और उसके लिए भी इन्हें रिजल्ट बैक टू बैक अच्छे देने होंगे तब तो इस चीज को याद रखिए और उसी के हिसाब से सारे के सारे शेयर को यहाँ पर ध्यान रखना है अब एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जल्दी दामोदर यहाँ पर एक ये भी कॉटन और यहां से रिलेटेड कंपनी है आपने देखा टेक्सटाइल में एक अच्छी खासी जंप आती हुई दिखाई दी है बट टेक्सटाइल में हमेशा मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छे रिजल्ट कब आएंगे जब इनकी बिक्री ज्यादा होती हुई नजर आएगी सेल ज्यादा इनके प्रोडक्ट नजर आएंगे इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होते हुए नजर आएंगे एट दैट मोमेंट यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अगेन यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है तो डेट की बात करें डेट बहुत ज्यादा दो का डेट है डेट यहाँ पर ज्यादा है और उसमें से तीस परसेंट जिनके जितने परसेंट के इनके पास शेयर है उसमें तीस परसेंट के शेयर यहाँ पर इन्होंने प्लेस कर रखे है तो इसे भी अपने यहां पर माइंड में रखना है तो बट इस स्टॉक को बताने की

सिंपली यहाँ पर इस कंपनी के पास यहाँ पर पब्लिक के पास एज वेल एज कॉर्पोरेट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर देती है देखिए 2019 तक अच्छा डिविडेंड दिए थे बीस इक्कीस में कोई डिविडेंड नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है डिविडेंड से भी पता चलती है चीजें कि डिविडेंड अगर कंपनी अच्छा दे रही है तो अच्छा परफॉर्म कर रही है डिविडेंड नहीं दे रही तो यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डल है बोनस दे सकती है कंपनी ने दो में बोनस दिया है स्प्लिट भी कंपनी ने यहाँ पर दो में दिया है अब एक बार यहाँ पर चार्ट से ऊपर चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कंपनी के नंबर अच्छे आए ओके okay, जब कंपनी के अच्छे नंबर आया हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म यहां पर कर सकती है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट बना रखे है तो सबसे पहले देखिए कंपनी के हाईएस्ट एवर आ रहे हैं ओके okay, कंपनी की सब कुछ अच्छा आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर वर्क भागती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर टारगेट भी अच्छे खासे नजर आते हैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई था ओके यहाँ तक कंपनी जाने की पूरी कोशिश करेगी और यहाँ पर सेवनटी का जो इसका हाई था वहां तक जा यहाँ पर टच करके शायद फिर नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है बट अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आएगी और यहां पर जो, जो यहां पर जो थोड़ा सा टारगेट नजर आती है थोड़े से और ऊपर तक यहाँ पर नाइनटी रुपीज तक भी ये शेयर जा सकता है तो सबसे पहले यहां पर जो आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो ये शॉर्ट टर्म में आपको तीस प्रॉफिट अट्ठाइस से बीस पच्चीस से तीस के प्रॉफिट तीन महीने के अंदर अंदर मिल सकते हैं और आपको एग्जिट लेना है रिजल्ट से पहले याद रखिए क्योंकि रिजल्ट बेकारा है तो एक साथ ही दस का लोअर सर्किट भी ऐसे ही स्टॉक्स में लगता है इसके अलावा लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं

ओके okay, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कब विद हैंडल पैटर्न बन गया तो टारगेट अचीव नहीं होंगे होंगे बट कंपनी के नंबर्स आने पर अचीव होंगे कंपनी के नंबर नहीं आएंगे और यहाँ फिर भागेगा तो याद रखिएगा फिर ऑपरेटर का खेल है फिर ऑपरेटर कहीं भी भगा सकता है और कितना भी भगा सकता है फिर ऊपर के लेवल पर ले जाकर आप लोगों को फंसा देगा और हम ऐसे गेम को खेलते ही नहीं है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं बट इतना नहीं करते बट स्टिल यहां पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा है कंपनी के नंबर यहां पर अच्छे खासे आ रहे हैं और अगर टेक्सटाइल के नंबर अगेन अच्छे खासे आए तो शेयर

136 परसेंट का डेट है और अगेन यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर आ, वायर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है वाइंडिंग वायर्स मेनली कॉपर वायर्स में और इसके क्लाइंट की बात करें तो बड़े बड़े यहाँ पर क्लाइंट भी है एक बार जाके यहाँ पर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके क्लाइंट कौन है तो देखिए सी पावर यहाँ पर सी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैवल्स यहाँ पर यहाँ पर शेंडर्स इलेक्ट्रिक तो बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केट में भी लिस्ट है वो यहां पर इनके क्या है क्लाइंट है एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे कंपनी तो कोई प्लेजिंग नहीं है डेट है इसमें बस मार्केट कैपिटल है ओके अगेन तो यहाँ पर माइक्रो uh, कैप है।, okay, है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल मत सोचिएगा और यहां पर देखिए इंटरनसिक वैल्यू के नीचे ही शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है पांच का फेस वैल्यू है तो मतलब क्या है मतलब ये है कि कंपनी ने यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी स्प्लिट दिया है बोनस वोनस कुछ नहीं दिया है कंपनी ने डिविडेंड का यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आती है यहाँ पर देखिए लगातार कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है तो जो कंपनी अच्छा लगातार डिविडेंड देती है तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा काम भी कर रही है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर भागती हुई नजर आती है अगेन इसी तरीके का यहाँ पर जैसे ऑटो सेक्टर में यहाँ पर बंदी दो हजार में चाहिए थी सेम एज इट इज यहाँ पर इसी तरीके के चार्ट पैटर्न बट यहाँ पर एक पैटर्न है जो चार्ट में हम बात करेंगे अगेन बताने के पीछे का रीजन क्या है कि कंपनी के नंबर कंपनी के जो नंबर आए थे हाइएस्ट एवर नंबर आए थे और यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर नंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया और इस बार के जो नंबर है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर हाइएस्ट एवर नंबर है तो ये सब चीज बताती है

परफॉर्म कर सकता है अगेन कब विद हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कब बन रहा है कब बनने का यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है जो इसके टारगेट दिखा रहा है कितने कितने के यहाँ पर बहुत ज्यादा टारगेट दिखा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल लेवल चौदह के आसपास के तेरह के आसपास के टारगेट नजर आते हैं बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटर और दूसरा नंबर और अच्छे नंबर जितने आएंगे उतना ही ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी लगभग लगभग लग लग। कितने परसेंट के पांच सौ परसेंट तक के यहाँ पर ये टारगेट नजर आती है इसके लिए इसका नंबर का बहुत अच्छा आना बहुत जरूरी है तब यहाँ पर इक्कीस परसेंट से मतलब पर तो पर के, पर के आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं जो कि इसका हाइस्ट एवर यहां पर दिखाई देता है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि इसके हाईस्ट एवर नंबर कितने दो सौ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देता है इक्कीस के तीन महीने में ये टारगेट चीव होते हुए नंबर कभी भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं और जो यहाँ पर ये यह खड़ा हुआ है यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये यह ब्रेकआउट होने वाला है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है अगर ये कल के दिन में दो सौ चार पॉइंट पिछड़ा था दो सौ पांच को यहाँ पर क्रॉस करता है तो एक रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे शायद दो सौ सत्रह रुपए तक और दो सौ सत्रह को यहाँ पर क्रॉस किया तो दो सौ सैंतीस तक यहाँ पर लेके हुए जाएगी तो एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है इक्कीस परसेंट के रिटर्न मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे शेयर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ भाग चुका है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी है रिजल्ट से पहले यहाँ पर ये जो टारगेट यहाँ तक निकले तो यहाँ से चीजें दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर आपको एग्जिट भी करना है इस

करते हैं क्वेरीज़ कमेंट करिए कोई, कोई आपको कम, कमेंट करके आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें लॉन्ग वीडियो लंबी हुई है बट आपके बेनिफिशियल है और यहाँ पर ये इन पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस